Hey guys, welcome to my new video. तो गाइस आज की वीडियो में आ चुका अपने लॉब के पास। जैसे कि गाइस कल हमने बहुत दिन हो गए, मतलब मैंने कबूतर नहीं उड़ाया, कल हमने मोटा कबूतर उड़ाया था, तो आज जो कबूतर मेरे हाथ में बैठेंगे वही उड़ाएंगे बाहर, मतलब अपने घर से दूर लेके जाके। तो गाइस चैनल पे जो भी नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करो। चलो गाइस ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाकचीना भी लेंगे, टफी माधी भी लेंगे, और मोटा कबूतर भी लेंगे, और इसको भी लेंगे। जितने कबूतर मेरे हाथ में बैठे उतने लेके चले जाएंगे। तो गाइस हम उठाने वाले हैं। नागपुर वाला पट्टा तो बीमार है, ये देखो नागपुर वाला पट्टा बीमार है। मोटा कबूतर लिया, जाकचीना नर लिया, और लिया ये वाला नर, और सभी अपने तीन के तीन ही नर अपने तगड़े तुगड़े है, देख सकते हो पूरे तगड़े नर है, हाथ में नहीं बैठ रहे एक हाथ में। तो चलो गाइस इनको अपने घर से दूर लेके जाएंगे और डायरेक्ट लोकेशन पे जाके आपको मिलेंगे। कर दो। तो गाइस देख सकते हो तीन नर तगड़े तुगड़े नर पकड़ लिया, मोटा कबूतर ज्यादा तकलीफ दे रहा है अपने को। तो चलो गाइस शेरू को भी ले दे, शेरू चल, शेरू लो छु छु शेरू ये और मुर्गिया को भी छोड़ना है। चलो गाइस डायरेक्ट उधर जाके मिलते हैं। गाइस देख सकते हो लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम। सबसे पहले जाएंगे अपना जाकचीना नर, ये गया फर्स्ट टाइम उड़ गया गाइस, और फिर जाएंगे ये, और फिर गया ये, और तीनों कबूतर अपने चले गए। और मैं आपको दिखाता हूँ अपने तीन कबूतर। जाकचीना देखो कैसे भटक रहा है, ये देखो ये जाकचीना और ये मोटा कबूतर, और कल के जैसे उधर ही लैंडिंग हो चुके हैं। शेरू भी आ चुका है और ये माशे तो उड़ते हैं, पर जाकचीना गाइस बैठ गया इधर। तो जाकचीना को डरा के हम उड़ाने वाले हैं। ये देखो बैठ गया इधर शेरू भी अपने पास, फर्स्ट टाइम एक साल के बाद अपने घर उड़ा। ये देखो एक साल के बाद गाइस क्या उड़ेगा, और अब तो हमने इनको तो उड़ा दिया है, अब छोड़ देते अपने सब के सब कबूतर बाहर। ये देखो अपना जाकचीना गटर ना लगा, और एक महाशय अभी नहीं आ गए, सभी कबूतर नीचे आ गए, मैं ऊपर ही देख रहा हूँ। और जाकचीना जल्दी अंडे भी देना वाला है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो लकड़ियाँ उठा रहा है। देखते कबूतर आते हैं या नहीं, दाना तो अंदर पड़ा ही है, पर इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी की। अपना रैबिट, इधर एक मुर्गी, इसने नहीं दिया अंडा, और इनको चारा डाल दिए है, चुन्नू मिन्नू अंदर है, गौ माता भी इधर है, आज गौ माता घर है, सुबह सुबह चर के आई है, देख सकते हो उधर है वो। देखो अब ये जाएंगे, अब इनको सवाई लग चुके हैं ना, इधर ही जाएंगे अब। ये देखो मोटा कबूतर तो बहुत ही बदमाश कबूतर है, सबसे बदमाश कबूतर मोटा कबूतर। तो महाशय इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने एक क्या काम कर दिया पता नहीं, किसके लिए दाना रखा है और क्या। और इधर है अपने गप्पी फिश, गप्पी फिश आपको दिखाने वाले हैं। गाइस आपको एक फिश पकड़ के दिखाता हूँ मैं इनकी, ये देखो ये आ गई, ये बच्चे हैं मेरे घर के, किसके बच्चे है वो भी आपको दिखाएंगे। अरे चली गई। तो गाइस जो ये वाली है ना, ये वाली फिश अब कहाँ गई, ये झाड़ के पीछे वाली, हाँ ये वाली, बस यही वाली, इसके बच्चे हैं सभी, ये वाली भी उसके बच्चे हैं, और इसमें वाले भी उसके बच्चे, और जल्दी से इसमें फिर से वो बच्चे डालने वाली। कल हमने ये टैंक पूरा साफ किया था, इसके वजह से आज फिश दिखी है। और जो ऑरेंज है ये बच्चे भी नहीं दे रही, और अंडे भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, और इसमें बच्चे, और चार हमने पिस्टन के पास रखे हैं, ये देखो चार, ये दोनों और दोनों, ये दोनों। और रिवर फिश इसमें थी, एक दो रिवर फिश डाली थी, एक रिवर फिश ने डायरेक्ट जंप मारी होगी और वो मर गई। अपना पिस्टन है बाबा इधर छुपा रहता है, मजा करता है, इधर ऐसे छोड़ने के बाद फिर से छलांग मार के भाग जाता है, उसकी मजा काम चालू है। कैसे मस्ती पे आ चुके, ऐसे इनको बाहर छोड़ने का देना का इच्छा होती है मेरी, पर हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिल्ली फिल्ली सी इनको नुकसान घातक है इसके वजह से हम। और मुर्गियाँ देखो, अरे मुर्गा, सब में एक लीडर होता है, जैसे कि इस मुर्गियों में ये लीडर है। और मोटा कबूतर देखो मादी के पीछे, वो उसके पीछे, और वो तो कुछ काम का है ही नहीं पापा, क्या करता है। तो इनको डाल देते अंदर, दाने भी नहीं खा रहे क्योंकि इनका दाना पानी अंदर ही है, सिर्फ इनको हम धूप दिखाने के लिए छोड़ते हैं। मुर्गी देखो अंदर जा रही है, ये टकली मादी, ये मुर्गी के वजह से सब डर रहे, खुड़ खुड़ खुड़। अब ये सब जाने को ना, चार कबूतर रह गए, तीन कबूतर अंदर चले गए, और ये मुर्गी इधर ज़्यादा जोर मार रही है ना, अंदर जाने की कोशिश कर रही है। पहले मुर्गी को हकल देंगे, और फाइनली हकल दिया, और ये अपने मादी के पीछे है, और मैं कबूतर के पीछे हूँ। कबूतर अंदर,
ये देखो जागची ने फिर से अपना काम करने वाला है, तो उसकी मादी में एक बार चेक कर लेता हूँ, वो मादी है उसकी, यानी तो चेक करने के बाद। और अपना नागपुर वाला पट्टा थोड़ा सा जगह पे आ चुका है, पर अभी भी इसकी हड्डी दिखती है, देखो बहुत ज़्यादा दिखती है, इसी ने कम मोटा कबूतर काटता है, देखो इस काटता नहीं है, पहले काटता था अब नहीं काट रहा। ये जोड़ अच्छे इतने कबूतर अपने पास है अभी के, तीन हो गए राम को, हमने आपको इस वीडियो में दिखाए नहीं, तो राम को लेके चलते बाहर। ये आजा आजा राम, ये आ गया, ये देखो अब कट मारेगा, ये निकल गया, ये भागा, आजा हाथ पे, और लेके आते हैं बाहर। और इसके पंख आने हैं क्या, आने के चले गए, देखते हैं, और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस देते हैं आज। तो गाइस धूम के पंख थोड़े थोड़े आ चुके हैं, और इधर की तीन बाजू आने की है, और इधर की भी तीन बाजू आने की है, ये प्रॉपर आ जाएंगे तो अपना राम फिर से प्रैक्टिस में आ जाएगा, गाड़ी के पीछे भागना चालू हो जाएगा, देखते हैं कब तक आता है। तो गाइस राम को अभी तो इतने तीन पंख है, और राम को हम उधर लेके जाएंगे और उधर से छोड़ेंगे, राम की प्रैक्टिस चालू है या नहीं क्या, ये पूरा बैग चुका है, देखते हैं। तो चलो गाइस मैं आता हूँ इधर से छोड़ने के बाद। और गाइस राम मेरे को बैठ गया, देखते गाइस। तो गाइस फाइनली राम आ चुका है अपने पास, एक बार फिर से लेंगे इसकी ट्रेनिंग। तो गाइस फिर से राम आ चुका है अपने पास, तो बस चलो ट्रेनिंग तो इसकी चालू ही है, वो ट्रेनिंग नहीं भूल सकता है, और गाड़ी के पीछे भी भाग सकता है। को लग गई प्यास, और राम पी रहा है पानी, और हो गया इसका दाना, इसका शॉर्ट वीडियो में इसको खिलाएंगे, अभी की वीडियो में इसका दाना पानी भी नहीं रहता है, पर आज हमने इसको पिला दिया। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने तीन कबूतर अपने, जो मेन नर है मेरे पास, तीन नर है, तीन नर को हम लेके गए थे बाहर, और राम की भी ट्रेनिंग ली, फिश भी दिखाई, गप्पी फिश के बच्चे भी दिखाए, उसकी माँ भी दिखाई, पिस्टन को भी दिखाया। तो गाइस चैनल पे जो भी नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।